हेलो एवरीवन, सो आज हम आपके 7th क्लास के साइंस का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि है न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स। इससे मिलता जुलता चैप्टर हमने 6th क्लास में भी किया था, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स ऑफ जो फूड है उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, पर ये फूड आता कहाँ से है? एनिमल्स से एंड प्लांट्स से। तो उसमें से जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेकर आते हैं, आज हम इस चैप्टर के अंदर पूरा पढ़ेंगे। तो हमें दो तरीके के न्यूट्रिशंस मिलते हैं। पहला न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉप्स। सो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स। और दूसरा होता है हेटरोट्रॉप्स। जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, किसी बाहर की सोर्स से वो खाना लेते हैं, जैसे कि हेटरोट्रॉप्स हैं हम या फिर एनिमल्स, और ऑटोट्रॉप्स हैं सारे प्लांट्स। सभी प्लांट्स इसके अंदर नहीं आते हैं, पर मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हमारे होते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है इसके अंदर क्या क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे। जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो लीव्स होती है उनके सरफेस पे बहुत छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। वो स्टोमेटा पूरे एनवायरमेंट से अपने आसपास से कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर प्लांट्स के अंदर लेता है। और दूसरी चीज होती है, इसके अंदर पाइप्स होते हैं, थ्रू आउट वेन्स होती हैं, जिसके अंदर मिनरल्स और न्यूट्रिशंस रूट से लेकर स्टेम से लेकर लीव्स तक जाते हैं। तीसरी चीज होती है हमारी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। और क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी मदद से वो आगे चल के फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है। फोटो का मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। सो जब लाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कंबाइन होता है तो खाना बनता है पौधों का, मतलब प्लांट्स का खाना बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि अगर प्लांट्स नहीं होंगे, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स को फूड नहीं मिलेगा, प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिल पाएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट हैं तो एनिमल्स भी पौधों पे डिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ के लिए। सो इसी वजह से फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है, क्योंकि उसी से फोटोसिंथेसिस हो रहा है और उसी से हम खाना खाते हैं। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही ऑक्सीजन बाहर आती है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है उस समय जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसी वजह से ही हम ब्रीथ कर पाते हैं अच्छे से। और ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, क्योंकि उनके जब फोटोसिंथेसिस होता है तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। जब फोटोसिंथेसिस होता है उसे समझने के लिए हम इस इक्वेशन को देख सकते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, जब वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एनवायरमेंट से लेती है, और वाटर जो प्लांट्स होते हैं वो रूट से स्टेम की तरफ लेके जाता है, मतलब सॉइल से पानी को लिया जाता है। और उसमें अगर क्लोरोफिल और सनलाइट ऐड हो जाती है, एरो पे क्लोरोफिल एंड सनलाइट लिखा है, उसमें जब ऐड हो जाती है तो हमारे पास क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसीजर होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बाद में स्टार्च बनता है, इससे हम इजीली फोटोसिंथेसिस होता है इसे प्रूव कर सकते हैं। आप लीव्स लीजिए दो तरीके की, एक को कुछ दिन के लिए सनलाइट बिल्कुल मत दिखाइए, एक डार्क रूम के अंदर रखिए या डार्क बॉक्स के अंदर रखिए, और दूसरी सनलाइट के अंदर। अब उसके ऊपर, उन दोनों लीव्स के ऊपर अगर आप आयोडीन डालेंगे तो जो सनलाइट में थी जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा था वो ब्लू ग्रीन हो जाएगी, ब्लू एंड ब्राउन हो जाएगी, बट जो लीफ डार्क में थी जिसे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, खाना नहीं मिला, वो कोई भी रंग चेंज नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करके और ये पता कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस असल में होता है। जो एल्गी होता है, जो पॉन्ड्स के ऊपर हरे हरे पैचेस हो जाते हैं, ग्रीन ग्रीन पैचेस हो जाते हैं, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है और वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है, बट वो स्टिल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रोटीन भी चाहिए होता है और फैट्स भी चाहिए होते हैं। तो वो जो फैट्स एंड प्रोटीन है वो एनवायरनमेंट से नहीं ले सकते, नाइट्रोजन से वो फैट्स एंड प्रोटीन अलग करते हैं उस फूड में से जो उन्हें सॉइल से मिलती है। सॉइल से वो नाइट्रोजन लेते हैं और उससे फैट्स एंड प्रोटीन्स बनाते हैं अपने लिए,
और ये जो फैट्स एंड प्रोटीन है इन्हें ज्यादा अच्छे से बन पाए इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जिसकी मदद से ये बहुत इजी हो पाता है प्लांट्स के लिए। प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, वो प्लांट्स दूसरे प्लांट्स का सहारा लेते हैं अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, जिसका एक एग्जाम्पल है अमरबेल। सो अमरबेल क्या होती है, वो किसी और प्लांट्स के ऊपर चढ़ती है, जिस प्लांट के ऊपर वो चढ़ती है उसे हम कहते हैं होस्ट, और जो अमरबेल होती है या इस तरीके का कोई भी प्लांट होता है उसे हम कहते हैं पैरासाइट, क्योंकि वो पूरा न्यूट्रिशन चूस लेती है जिस होस्ट के ऊपर वो चढ़ती है। सो ये हैं ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, फ्लाइज को खाते हैं, वो कप के शेप के होते हैं और उसमें ढक्कन बंद हो जाता है उनका, और जब ढक्कन खुलता है उसके अंदर कोई भी कीड़ा आता है, उनके अंदर हेयर्स की तरह से स्ट्रक्चर होता है, जब कीड़ा उसके अंदर जाता है तो वो अंदर खींच लिया जाता है और वो कप बंद हो जाता है, तो इन्हें कहते हैं इंसेक्टोवोरियस प्लांट्स। होता है सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो डेड एंड डिकेड चीजों में से होता है, लाइक फंगी। जो फंगस होती है वो डेड और डिकेड चीजों पे पड़ती है और जब वो उगती है तो वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करती है, जिसकी मदद से उसे न्यूट्रिशन मिलता है उस डेड एंड डिकेड चीज में से। तो इसे कहते हैं सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर कोई भी चीज हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर में है तो उस पर फंगस या फंगी लगने का बहुत ज्यादा चांस होता है, और जो फंगी के बैक्टीरिया होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है और जहाँ उसे हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट दिखता है तो वो वहाँ जाके बैठ जाते हैं और वो फैल जाती है। इस तरीके से फंगस लगती है किसी भी चीज में, लाइक लेदर के कपड़ों में और पिकल्स में एंड किसी भी चीज में जो कि हॉट एंड ह्यूमिड है। रिलेशनशिप होता है जिसे कहते हैं हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसमें दो जो प्लांट्स हैं वो एक साथ रहते हैं ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सके, लाइक पेड़ों के नीचे फंगी रहती है ताकि वो पेड़ों को न्यूट्रिशन दे सके और फंगी पेड़ों से जो न्यूट्रिशन है वो ले सके। इस तरीके से ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। जैसे लिचेंस में एल्गी भी होती है और फंगी साथ में रहती है ताकि वो एक दूसरे को न्यूट्रिशन दे सके और ले सके। हमने अभी पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं वो एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं राइबोसियम। तो राइबोसियम बैक्टीरिया प्लांट्स के रूट्स में रहता है क्योंकि वह अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो प्लांट से खाना लेता है, और राइबोसियम एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके और वो प्लांट्स को देता है ताकि वो अपने फूड को प्रोटीन में ब्रेक कर सके। सो इस तरीके से ये था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये था पूरा चैप्टर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूंगी। बाय बाय।